स्वर्गीय रामविलास पासवान के घर पे अभी चिराग उठ के नेताओं की बैठक चल रही है। इस बैठक में लोजपा के प्रधान महासचिव हैं जो अपने इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर आने वाली 5 तारीख को आशीर्वाद यात्रा को लेकर के तैयारी चल रही है कि किस तरह से गाइड किया जाएगा। भाई हम बात करेंगे, हमारे साथ लोजपा के प्रधान महासचिव है संजय पासवान। सर किस तरह की तैयारी चल रही है? एक तरफ पारसपुर के नेता जो है बड़े बड़े होर्डिंग को बैनर लगा रही है उनका रामविलास पासवान का जयंती मनाने के लिए। देखिए सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती मनाएंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि इस देश के दलित में सबसे बड़े लीडर थे। RJD भी मना रही है और हमारा कार्यक्रम है कि जयंती समारोह है सुल्तानपुर से, हाजीपुर का ग्राम है सुल्तानपुर जहाँ से हमारे स्वर्गीय नेता आदरणीय रामविलास पासवान साहब वहीं से कर्म क्षेत्र रहा और वहीं से शुरुआत भी की थी राजनीति का हाजीपुर से। तो हम लोग वहीं बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा और जयंती समारोह की भव्य तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। आज तक के सबसे बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में हम सब कार्यकर्ता एकजुट है। पटना के जितने लोग हैं सब ग्रीन लोग हैं तो पूरी ताकत के साथ हम लोग जुटेंगे। उस दिन 5 तारीख को पार्टी कार्यालय पर 1200 के नेताओं का कब्जा होगा। उस दिन लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती मनाई जाएगी, तो आप लोग कहाँ इस आयोजन करेंगे? हमारा आयोजन तो पहले से तय है, आपको जानकारी भी है कि हाजीपुर में जहाँ आदरणीय रामविलास पासवान साहब का कर्मभूमि रहा है वहीं हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी पर चुनाव आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिस पर कि चिराग का ही आधिकारिक फैसला होगा, तो क्या इस पर? निश्चित रूप से देखिए पार्टी संविधान से चलती है, पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपना संविधान बनाया हुआ। कोई भी संस्था बनता है जो संविधान के साथ बनती है, संविधान में है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 76 सदस्य होते हैं और आप लोग देखा होगा कि 66 कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ मतलब मौजूद थे। उसका वीडियो क्लिप है उसका, जब हम लोग टेबल पर मीटिंग में थे सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी के सामने उसका क्या कहता है नेम प्लेट लगा हुआ। जिन लोगों ने कह रहे हैं कि हम लोग उनसे थोड़ा सा लिस्ट मांग लीजिए कार्यकारिणी का तो आपको पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम निष्कासित करेंगे जो भी चिराग के बैठक में शामिल हुए। कार्यकारिणी में उन सभी को निष्कासित, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तय किया और 5 सांसद को निष्कासित कर दिया गया। ये दावा तो कर रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी पारस जी। अब दावा तो कोई भी कर सकते हैं, दावा तो कार्यकारिणी जो तय करेगा वही होगा। आप कल इसी का देख रहे थे कि कह रहा था कि उनका न्यूज आ रहा था आप लोग के माध्यम से आ रहा था कि अभी ये चिराग जी सिंबल के मालिक अध्यक्ष। क्या कैसी तैयारी रहेगी आने वाले दिनों में? हम तो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी लोकप्रियता हमारे नेता की बढ़ी है इस घटना के बाद भी। अब पहले भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जन जन के नेता बन चुके थे, अभी परिस्थितियां हमारे साथ है कि हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोग के साथ नहीं है। हमारे नेता एकला चलो के राह पर चल रहे हैं और इस परिस्थिति में आपको देखने को मिल जाएगा 5 तारीख को कि जनता कार्यकर्ता किसके साथ है। एक आखिरी सवाल है, हाजीपुर से सांसद तो पारस जी हैं, फिर वहाँ चिराग पासवान जी जाएंगे तो फिर किनका सत्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा, पारस जी का या चिराग जी का? कर्मभूमि रहा हमारे इस देश के दूसरा अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब का और पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं तो उनके हम लोग पद चिन्हों पर स्वर्गीय रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और वहीं से जन्मदिवस हम लोग मनाएंगे। किसी के भी मनाने से या किसी को हमारा कोई विरोध करने के लिए नहीं। तो हमारे साथ थे लोजपा के प्रधान महासचिव संजय पासवान, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में पार्टी 5 तारीख को देश के दूसरे अंबेडकर रामविलास पासवान को बता रहे हैं जिनका भव्य जयंती मनाई जाएगी। दूसरी तरफ जो है पशुपति पारस के गुट के नेताओं भी बड़े बड़े होस्टर जो है आपने पटना में देखा होगा, तो देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि चिराग पासवान 5 तारीख को पटना आने वाले हैं। इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।